नमस्कार दोस्तों, धनराज शॉर्ट हैंड अकेडमी स्टेनो क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका प्रतिलेखन संख्या 3 व 4, गति 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, भारत का हर नागरिक इस बात को जानता है कि लगभग 80 या 90 वर्षों के कड़े संघर्षों के बाद भारत स्वतंत्र हुआ है। विराम, देश ने गणतंत्रात्मक रूप धारण किया है। हर व्यक्ति को स्वतंत्र जीवन जीने और विकास करने का अधिकार प्राप्त हुआ है। विराम, यदि हम 90 वर्षों के इतिहास पर विचार करते हैं तो विवश होकर हमें यह कहना पड़ेगा कि भारत के नागरिकों का जीवन नकरतुल्य रहा है। विराम, दासता की जंजीरों में जकड़ा रहा है। समय समय पर सदा यह प्रयत्न चलता रहा है कि दासता से मुक्ति प्राप्त करें और स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार प्राप्त हो। विराम, पैरा, आधुनिक काल में स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष चला वह एक दीर्घकालीन संघर्ष माना जा सकता है। इस संघर्ष में हिंसा के दोनों प्रकार के मार्ग अपनाए गए। विराम, इतिहास इस बात के लिए साक्षी है कि राजाओं की आपसी लड़ाई हिंसा के मार्ग द्वारा लड़ी गई थी। युद्धों का भयंकर रूप प्रत्यक्ष रहता था। विराम, नरसंहार का बोलबाला था। विराम, खून की नदियां बहा करती थी। विराम, अपने सैनिक बल पर राजा युद्ध जीता करते थे। विराम, सेना की सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन होता था। विराम, पैरा, आधुनिक काल में भी हिंसा के द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करने का मार्ग अपनाया गया था, परंतु हिंसा का मार्ग सफल सिद्ध नहीं हो सका। विराम, हिंसा के मार्ग को अपनाकर अनेक देशभक्त शहीद हो गए। विराम, सामूहिक लड़ाई लड़ी गई, परंतु भारत की स्वतंत्रता के लिए यह मार्ग उपयुक्त प्रमाणित नहीं हो सका। विराम, ऐसे विकट एवं कठिन समय में स्वतंत्रता के आंदोलन में गांधी जी का पदार्पण हुआ। विराम, सत्याग्रह एवं अहिंसा के मार्ग को अपनाते हुए इसे लोगों को भी अपनाने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। विराम, उनका यह मार्ग व्यक्तिगत भी था और सामूहिक भी था। विराम, व्यक्ति के रूप में उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जो संघर्ष छेड़ा वही आगे चलकर एक सामूहिक शक्ति बन गया। विराम, वे एक व्यक्ति होते हुए भी सामूहिक शक्ति के प्रतीक थे। उनके चरण चल पड़ते वहीं असंख्य लोग कदम बढ़ाते गए। विराम, जो बात उनके मुख से निकलती उसे लोग वेद वाक्य के रूप में स्वीकार कर लेते। अंग्रेजों का शासन यदि किसी शक्ति के सामने झुका तो वह शक्ति थी गांधी जी। विराम, ऐसे महान व्यक्ति को ढोंगी या ढकोसला कहना वह भी किसी पुस्तक के सहारे अपने आप में एक शर्मनाक बात है। विराम, भारतवासियों के लिए डूब मरने की बात है। विराम, हमें उनका अपमान करने की बजाय उनकी पूजा करनी चाहिए। विराम, पैरा, महोदय, गांधी जी ने भारत के लिए वह सब कुछ किया जो बड़े बड़े विद्वान, संत, महात्मा या महापुरुष नहीं कर सके। विराम, भारत की एकता एवं अखंडता के लिए उन्होंने वह सब कुछ किया जो शताब्दियों से किसी के द्वारा नहीं हो पाया था। विराम, उनकी कथनी एवं करनी में एक रूपता थी। विराम, जो कहते थे वह कर दिखाते थे। गांधी जी ने कभी अभिजात वर्ग का समर्थन नहीं किया। उच्च वर्ग के प्रति कोई आसक्ति उन्होंने नहीं दिखाई और न
किसी वर्ग विशेष की उपेक्षा की विराम मानव जीवन की भलाई को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया, पिछड़े वर्ग के प्रति प्रेम दर्शाया, सांप्रदायिकता को मिटाने का भरसक प्रयत्न किया विराम, उन्होंने जो कुछ भी किया वह अपने आप में एक इतिहास बन चुका है विराम। गांधी जी न केवल देश के लिए बल्कि समस्त विश्व के लिए वंदनीय है विराम। उनके आदर्शों को देशवासियों के साथ साथ अन्य देशवासियों ने भी अपनाया और उन पर आचरण किया विराम। आईने की तरह साफ सुथरे उनके जीवन को देखकर उनके विरुद्ध ढकोसला या ढोंगी जैसे शब्दों का प्रयोग करना शोभा नहीं देता विराम। गांधी जी के नाम को राजनीति के दलदल में खींच लाना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है, क्योंकि गांधी जी एक युग पुरुष और राजनीतिक दलदल से निर्लिप्त स्वच्छ कमल थे विराम। पैरा देश के सपूतों ने समूचे देश के लिए एक राष्ट्रभाषा की आवश्यकता महसूस की थी, जो अंग्रेजी का स्थान लेकर देश के साहित्य और संस्कृति को विकसित कर सकेगी और राष्ट्रीय एकता की प्रतिष्ठा कर सकेगी विराम। उसका गौरव हिंदी को तो मिला अवश्य, किंतु अंग्रेजी के प्रति अहेतुक प्रेम ने उसे अब तक उपयुक्त स्थान प्रतिष्ठित होने नहीं दिया है विराम। सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का जितना प्रचार प्रसार हो रहा है, अंग्रेजी की नींव उतनी ही दृढ़ होती जा रही है विराम। इस दिशा में नेताओं को आदर्श बनना चाहिए विराम। राष्ट्रभाषा आंदोलनों में हिंदी भाषी लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है विराम। ऐसे राष्ट्र प्रेमियों में उड़ीसा के महामहिम राज्यपाल सारे देश के लिए आदर्श हैं विराम। तेलुगु भाषी होकर भी हिंदी के प्रति उनका प्रेम अनुकरणीय है विराम। वे मंच पर हिंदी का प्रचार प्रसार करने वालों में नहीं बल्कि जीवन में उसका प्रयोग करने वालों में है विराम। सरकारी और गैर सरकारी कारोबार में हिंदी के प्रयोग के लिए वे सबको प्रोत्साहित करते हैं विराम। आशा करते हैं आप सभी को डिक्टेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।